मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने 230 में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी के दूसरे राज्यों के विधायक इन्हीं सीटों पर सर्वे भी कर रहे हैं। आलाकमान को रिपोर्ट इसकी सौंपी जाएगी। दमोह की पथरिया सीट पर लखन पटेल का नाम बीजेपी ने पहली लिस्ट में जारी कर दिया था। प्रवासी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा पथरिया सीट पर 7 दिन रहे और सर्वे भी किया। विधायक साकेंद्र वापसी से पहले बीजेपी प्रत्याशी लखन पटेल के साथ युवा सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज नजर आए। ऐसे मानबिंदुओं का सम्मान करने की दिशा में कोई कोशिश नहीं की, वे भी आज अपने हेलीकॉप्टर पर संतों को घुमाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन उस षड्यंत्र में जनता नहीं फंसने वाली है। जनता इस मध्य प्रदेश की वास्तविकता को और यहाँ की लोक कल्याणकारी योजनाओं को समझ चुकी है और इसलिए निश्चित रूप से विकास को देखते हुए, यहाँ के जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उनके सम्मान को देखते हुए, यहाँ के महापुरुषों का, संत रविदास जी हों, चाहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इन सब के सम्मान को देखते हुए हर एक प्रकार से जनता ये मान चुकी है यह सरकार अपनी सरकार है। इस सरकार को मोदी जी का मार्गदर्शन है और माननीय मोदी जी दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके सम्मान को बढ़ाना, मध्य प्रदेश की सरकार को बनाना, दोनों एक बात है। और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता, विशेष रूप से पथरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है।